हेलो फ्रेंड्स संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही कोई और चीज़ सिर्फ एक गिलास दूध और एक आम से बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से आइसक्रीम और कुल्फ़ी देखिए इसके लिए हमने लिया है एक पेन उसमें डालेंगे हम एक गिलास दूध गिलास हमारी छोटी है इसलिए हमने थोड़ा सा और दूध लिया है ये बड़ी गिलास से सिर्फ एक गिलास दूध है अगर आपको आसान तरीके से कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाना होगा तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना आप घर में रोज बनाकर खा सकते हैं देखिए फिर हम लेंगे एक अमूल वाला दूध का पैकेट क्योंकि हमारा दूध जो है सिर्फ एक गिलास है तो इसलिए हम एक पैकेट इसमें अमूल दूध का डाल देंगे क्योंकि दूध थोड़ा हमें गाढ़ा चाहिए होता है अगर आपके पास दूध हो तो आप तीन गिलास दूध लेकर उसको पकाकर कर डेढ़ गिलास कर लीजिए आपका बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट कुल्फ़ी बन जाएगी लेकिन हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि दूध हमारा कम है इसमें इसलिए हमने मिल्क पाउडर डाला है एक पैकेट सिर्फ और हम डाल देंगे दो चम्मच चीनी और दोनों चीज़ों को पकने देंगे दो तीन मिनट तक इसे पकने देंगे अब हम ले लेंगे एक आम इसे हम पहले कट कर लेंगे चाहे तो आम को स्किप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको पसंद हो मैंगो वाली कुल्फ़ी खाना तो एक आम भी जरूर डाल दीजिए आपकी कुल्फ़ी भी बहुत टेस्टी बन जाएगी और खाने में भी उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा इसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे देखिए आम को हमने कट करके इसको हम छोटे छोटे में कट कर लिया है और एक चम्मच से इसका सारा गुद्दे को हम निकाल लेंगे और इसको एक छन्नी में हम निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे इसे इसलिए हमने एक छन्नी में निकाला है कि इसके जो रेसे होते हैं वो हमारे आइसक्रीम में ना जाएं अगर आप इसे छानना नहीं चाहते तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए उसमें भी तब रेसे नहीं आएंगे अगर आपको ग्राइंड नहीं करना है तो आप इस छन्नी में ले लीजिए और चम्मच से इसको मसलते हुए सारे को छान लीजिए ये ईजिली छन जाता है कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह से आप दो तीन मिनट करेंगी तो बिल्कुल छन्नी से इसका रेसा जो है छन्नी में रह जाएगा और सारा रस जो है नीचे चला जाएगा आपको दो से तीन मिनट लगेंगे आपका काम हो जाएगा वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तब तक हमने दूध को गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दिया था देखिए सारे आम के जो गुद्दे हैं उसे हमने निकाल लिया है अब दूध ठंडा हो जाने के बाद इसे भी इसी में मिक्स कर लेंगे और आपके पास मोल्ड ना हो तो उसके लिए भी मैं बहुत ही ख़ास तरीका बताऊंगी आप ऐसे ही आइसक्रीम कुल्फी बनाकर खा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर ये चम्मच से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो इसे किसी भी मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं या तो इसको भी आप मिक्सी में डाल एक दो बार चला सकते हैं लेकिन हमने मिक ऐसे ही हैंड मिक्सर से ही मिक्स कर लिया है बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है आप भी ऐसे ही कर सकते हैं या तो चम्मच से भी आराम से मिक्स हो जाएगा देखिए दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है इसकी बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम बन जाएगी इसके लिए हमने देखिए अगर मोल्ड ना हो तो आप इस तरीके की फाइबर की ग्लास ले लें ग्लास छोटी या बड़ी जो भी हो आप उतना ही बड़ी ले लें क्योंकि मोल्ड भी हमारा एक से डेढ़ सौ ग्राम का होता है और एक चम्मच ले लें उसके डंठी की तरफ से उल्टा करके गिलास में डाल दीजिए और फ्रीजर में रख देंगी आपकी बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी देखिए जिस मोल्ड में हम भर रहे हैं मोल्ड भी हमारा सौ से डेढ़ सौ ग्राम का ही है और गिलास भी हमारी सौ से डेढ़ सौ ग्राम की ही होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है या तो आप गिलास का आधा ही भरें तो भी आपकी आइसक्रीम बन जाएगी देखिए मोल्ड में हमने पांच मोल्ड भरा है क्योंकि एक मोल्ड जो है उसका डंठी जो है टूटी थी इसलिए हमने एक को नहीं भरा है क्योंकि उसमें से निकालने में दिक्कत होती है इसलिए हम उसे खाली ही रखेंगे और सभी का ढक्कन लगा देंगे देखिए इसकी डंठी टूटी हुई है इसलिए हम इसे खाली ही छोड़ दिए हैं और गिलास का भी हमने भर के पूरा रख लिया है इसको अब रखेंगे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है आप इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं बिना मोल्ड का भी अगर मोल्ड हो तो वो भी बना सकते हैं और अच्छी बात है और इसे निकालना भी बिल्कुल आसान है दोनों हाथों पे इसको दो बार घुमा लीजिए ये इजीली तुरंत ही निकल जाती है इसे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और देखिए चम्मच से हमारी कितनी अच्छी इसकी डंठल भी बन चुकी है क्योंकि हर कोई के पास लकड़ी वाली ड जो है अवेलेबल नहीं होती है जैसे हमारे पास भी नहीं है इसलिए हमने मोल्ड में जमाया है और गिलास में आपको बताने के लिए गिलास और चम्मच से बनाया है आप इसी तरीके से सारे बना सकते हैं गिलास प्लास्टिक के ग्लास में और चम्मच की सहायता से आपकी आइसक्रीम बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी देखिए हमारी ओवर नाइट के लिए हमने रख दिया था बन के हो गई तैयार वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी है एक बार ज़रूर चेकआउट करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद